एमक्यूएम के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दोनों रहनुमाओं की बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी ने रजा हारून और अनीस एडवोकेट को पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, ये कहना है आसिफ जरदारी का। कराची वालों की मुंतखब जमात पहली बार विफाक पर हुकूमत करेगी। तो एमक्यूएम के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अरशद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए एमकेएम के साबिक रहनुमा है जिसमें अनीस एडवोकेट है और रजा हारून है, ये आपसे कुछ देर पहले बिलावल हाउस में इनके पहुंचे, जहाँ पे इनकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो है वो उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। अनीस एडवोकेट जो कि लंदन सेक्रेटरियट में एमकेएम के जो थे वहाँ पे ये काम करते थे और वहीं पर काफी साल मुकीम थे, फिर उसके बाद काफी सालों बाद ये पाकिस्तान आए थे, उसके बाद इन्होंने पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बाद से ये सियासत में जो आम इंतखाबात 2018 के बाद से जो थे ये सियासत में गैर फाल थे और अब इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो है वो इख्तियार किया। इसी तरीके से रजा हारून भी जो थे वो 2000 पाकिस्तान जमीन पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी 2016 में, उसके बाद 2018 के जब आम इंतखाबात हुए थे उसके बाद से ये भी सियासत में जो थे मुकम्मल तौर पर गैर फाल थे और अब इन्होंने भी जो है अनीस एडवोकेट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।